ये सब कब्र है यहाँ पे। और हाय, मेरा नाम ओम और आज मैं आया हूँ दिल्ली की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस दिल्ली कैंट में। वो पीछे दिख रहा है, यह है शमशान घाट। और मैंने कार पार्क की है वहाँ पे, पीछे दिख नहीं रहा होगा। और मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और अकेले मैं इसलिए आया हूँ और मैं कार में आया हूँ। कार में आने का फ़ायदा ये था कि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि यार क्या कार के पीछे सब में कोई भूत भागता ही नहीं भागता। तो और ये देखो, जो पीछे का दिख रहा है आपको, ये जो है ये पूरा है शमशान घाट। रात के 10 बज चुके हैं और पीछे देखो एक कौवा भी नज़र नहीं आ रहा है। तो पहले क्या करते हैं, कार में चलते हैं और कार से जाके पूरा दिखाता हूँ मैं कि सच में यहाँ पे कुछ ऐसा है। मैं साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा और इधर जाता हूँ। हाँ, अब मैं दिख रहा हूँ। तो पहले कार में मैं जाता हूँ, पहले कार में दिखाता हूँ, एक्सपीरियंस करते हैं कि मेरे देखते हैं कि कोई आता है, पीछा करता है मेरी कार का कि नहीं करता। और ये ध्यान से देखना कि अगर आपको कुछ दिखता है कि नहीं। और हाँ, मैं अकेले ही आया हूँ, आसपास कोई है नहीं ऐसे। इधर पीछे पूरा जंगल टाइप है। तो चलो, अकेले मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना, बहुत लोगों के साथ आके वीडियो बना चुके हैं। तो लोग कहते हैं ना कि यार जो चुड़ैले होती है ना, बहुत लोगों से डर जाती हैं। मेरे से अकेले से तो नहीं डरेगी ना, वो अकेले अगर आके मुझसे मेरे सामने भी आ गई ना, तो महीने भर तक तो बीमार रहने वाला हूँ मैं। हंस के बोलो चाहे मजाक में बोलो, बट ये सच है। तो चलो चलते हैं कार में और देखते हैं एक बार। तो मतलब देखो जंगल जंगल, और अगर अब अकेले जाते हो, देखो यार ये हाल होगा। अभी मैं कार में हूँ, मेरी तो अभी तक कार में पीछे कोई नहीं आया, हाँ ना ही मेरे अगल बगल कोई दौड़ रहा है, कोई नहीं दौड़ रहा। तो देखो सामने, पहले आप सामने से देख लो एक बार, फिर ये रोड कहाँ तक जाता है वो भी देखते हैं। और है बड़ा हॉन्टेड यार, लग रहा है सच में हॉन्टेड। ये कुत्ता भी आ गया, कुत्ता क्या तुम्हें डर यार, डर तो लगता है, कितना छोटा पिल्ला है इसका। और आगे ये बंद है कि खुला हुआ है, तो आगे चल रहा है, देखते रहो यार। कुछ देखिए आपको वीडियो में जरूर बताना, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहा हूँ। नंबर वन वॉन्टेड प्लेस में से ये एक है। और ये रोड शायद यहाँ पे ख़त्म है, तो मुझे गाड़ी बैग लेनी पड़ेगी। तो मैं जिम में रहूँगा, मैं बैग लेता हूँ एक बार। ये देखो मैं एक बार देख लो क्या दिख रहा है। यार अकेले हूँ तो ना इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं नीचे उतर जाऊँ। हाँ उतर जाऊँ, अगर मैं ये उतर मैं इसलिए नहीं रहा ना, क्योंकि यार ये दिल्ली का ना और नंबर वन प्लेस 100 प्लेस में से है, चलो वो बात अलग है, बट यहाँ की सिक्योरिटी ना बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि ये पूरा इलाका फौजियों का है। अगर मैं देखो, ये देखो बात करें, सामने दिख रहा है पूरा जंगल है भाई साहब, पूरा जंगल। तो देखो यार मैं आ चुका हूँ अब इस शमशान घाट के पास में। ये रहा शमशान घाट, और उधर खड़ी है कार आपकी, क्योंकि मेरी नहीं है, यूट्यूब का पैसा आपका है। और यहाँ देखो अच्छी बात तो लगे, यहाँ पे लाइट है, तो लाइट में ना मुझे लाइट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये पीछे दिख रहा है, ये पूरा है शमशान घाट। तो चलो पास से दिखाता हूँ। तो यार ये दिख रहा है आपको, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये पूरा शमशान घाट है। मैं इसके अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यार किसी का अपमान नहीं कर सकता मैं, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। बाकी ये देख लो पूरा पूरा रोड पे कोई नहीं दिखेगा आपको। एक अच्छी बात पता है कि यहाँ पे रोड पे ना लाइट है, तो ये देखो रोड पे पूरी लाइट है, तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही, इससे मैं लेके ही नहीं आ रहा। वहाँ पे ऐसे लाइट का जुगाड़ जा रहा था। डर का तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, कार पे कोई आया, और इतनी रात को लगभग 12:13 कुछ हो रहे हैं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रुकेंगे जब तक ये शमशान घाट की, ये शमशान घाट जब तक आपको दिखेगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, ये दिख जाएगा हम घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। दिखाना है क्योंकि जब तक ये नहीं दिखोगे आपको ये जगह हॉन्टेड नहीं लगेगी। देखो अब मैं बैठा हूँ कार में और पीछे कोई है नहीं ना, छुपा तो नहीं है कोई, अभी फिलहाल कोई नहीं है। इस साइड भी देख लो कोई नहीं है।
रात काफ़ी हो चुकी है, अब मैं ना कर रहा हूँ एक राउंड लूँगा यहाँ से और घर निकलेंगे। इस बार मैं कैमरा ऐसे पकड़ने की कोशिश करूँगा, मैं ड्राइविंग करते टाइम मैंने कैमरा कभी ऐसे पकड़ा नहीं है, देखो इस बार ट्राई करता हूँ। सॉन्ग बंद कर देते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा डर सा भी लगता है, रात को इतनी रात को अकेले बैठा हूँ ना, इसलिए चलो देखो रोड पूरा ना पूरा देखो उधर, देखो ये रोड है ये वाला जो दिख रहा है पूरा वैसे है। और मैं गाड़ी बैक कर लेता हूँ फिर कैमरा पकड़ता हूँ। मैंने कभी ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया, आगे पीछे अगर कोई दिखता है ना आपको तो बताना मुझे कि भाई ये मुझे कुछ दिखा फील हुआ। वैसे मैं एक और ऐसे चला चुका हूँ, चल पड़े लाइफ में अगर कुछ लेना बस सीएनजी की गाड़ी मत लेना, वैसे ले भी लेना फ़ायदा होता है, रैपिड अच्छी होती है बट सीएनजी की गाड़ियाँ पीछे अगर कोई दिखे ना आपको तो बताना मुझे, पीछे गाड़ी तो आई नहीं तो शीशे में देख लो। और मैं सामने का दिखाऊं एक बार, सामने का दिखाऊं, सामने का जो ये सब कुछ है सामने का जो है पूरा ये ना पूरा जंगल, जंगल से है पूरा, पूरा जंगल है, दोनों साइड जंगल है, दोनों साइड जंगल है। और अभी तक तो ना मेरे पीछे कोई सीट पे बैठ के बैठा हुआ दिखा मुझे, वो ना ही साइड वाइड में, बस आगे ना रोड बंद है बस ये है। सबको लगता है गला सबका सुनता है बट मैं कार में इसलिए आया हूँ दिखाने के लिए कि यार सच में कुछ हॉन्टेड है कि नहीं है, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं दिखा ऐसा कुछ हॉन्टेड नहीं है कुछ यहाँ पर मुझे नहीं दिखा। बाकी आगे आगे ना बंद है, मैं बैग गाड़ी बैग लेके फिर से मैं कैमरा पकड़ता हूँ, कैमरा फिर से पकड़ लूँ मैं, मौके टाइम में ट्रावले टाइम कैमरा पकड़ा जाता है मुझसे, पता नहीं यार अगर ब्लॉगर पकड़ लेते हैं तो यार चल पढ़ ऊँचाई आ गई है सामने, ये देखो एक बार तो चढ़ी है गाड़ी और दोनों साइड देखो क्या और क्या जंगल है। रात में यहाँ से आओगे ना तो सच में कह रहा हूँ डर के बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। चल रहे हैं, अगर पीछे मेरी गाड़ी में आपको कोई दिखे, पीछे कोई गाड़ी में दिखे मुझे शीशे उसे में आपको मेरे और इधर साइड में तो ज़रूर बताना। यहाँ की स्टोरी यही है कि चुड़ैल गाड़ी के जो शीशा है ना उसके पीछे भागती है, तो ये देखो ये शीशा ये गाड़ी, अभी तक अगर कोई दिखे आपको भागता हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। कभी कभी ऐसा होता है ना कोई चीज़ जो होती है ना ऐसे रिकॉर्ड नहीं हो पाती है और वो कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाती है। हॉन्टेड प्लेस दिल्ली का नंबर 1 है ये और रात के लगभग 1:30 या 2:15 होने वाले और यहाँ पागलपंती बोलेंगे कई लोग इसको बट थोड़ा सा कीड़ा है मेरे अंदर ऐसा कुछ पागलपंती करने का। और सेफ ये है कि मैं कार में हूँ तो इतना कुछ नहीं है, अगर है चुड़ैल तो आ जाए यार, आ गई तो महीने भर बीमार रहूँगा मैं या फिर कुछ दिक्कत भी हो सकती है। बाकी ये देखो यार अब सामने देखो बस ये रोड यहाँ ख़त्म है, रोड यहाँ ख़त्म है दिखा देता हूँ, बस ये रोड यहीं तक है और वो आगे रोड बंद है वहाँ पे, ये रोड यहीं तक ख़त्म है। अब चलते हैं शमशान घाट के पास तो वहाँ पे रुकता हूँ थोड़ी देर और टाइम दिखा देता हूँ वहाँ चलते हैं कितना हो। तो अब करते हैं थोड़ी देर और बैठेंगे जैसे थोड़ा सा उजाला हो जाएगा ना यहाँ पे। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ यार नींद आ रही है बहुत बुरी वाली नींद आ रही है और मैं सो गया ना तो लो अगर कोई आ गया ना पूछने की क्या कर रहे हो तो पता नहीं क्या बोले, बोलना पड़ेगा अभी कोई बहाना नहीं है तो शुक्र की बात है अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया, एक बंदा देखो ना आगे ना पीछे ना इधर कोई भी नहीं है। अब करते हैं थोड़ा सा अगर उजाला हो गया बस थोड़ा सा उजाला, बस मुझे ना वो कब्र दिखानी है, थोड़ा सा उजाला हो जाए वो कब्र दिख जाए। और अभी तक रात के 3:15 हो गए कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं यार अभी तक तो मुझे लगा कि अफवाह, बट जो ये कब्र है ना यार कब्र से थोड़ी बहुत तो नेगेटिव एनर्जी आती होगी इसलिए
यहाँ होता है। और सीन यहाँ पे पता है क्या होता है कि यहाँ पे ना एक आगे रोड पे, जैसे सुना है मैंने, मैं सच है कि गलत मत नहीं बता, एक लड़की का रेप कर दिया गया था और उसको मार के फेंक दिया गया था इस रोड पे आगे। तो उस लड़की कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा यहाँ भटकती है और लोगों की कारों के पीछे घूमती है। बाकी और चलते कि आप क्या करें, कुछ काम तो दिख नहीं रहा, आप लोगों से कितनी बातें करूँ, आँखें देखना सोच गए ना कितनी, नींद ना आए, नींद ना लेने की वजह से ऐसी हो गई है। अब कर तो बस थोड़ा सा उजाला हो जाए, निकलते हैं हम यहाँ से। थोड़ा अब दो चक्कर लगा चुका मैं यहाँ के, कुछ नहीं दिखा मुझे तो अभी तक। और यहाँ बस बगल में बैठा देखो, वो जो जहाँ वो रोड है ना, थोड़ा सा बस जरा सा आगे एक अंदर जंगल है, वहीं पर उस लड़की का मर्डर हुआ था। तो अब पता नहीं, थोड़ी सी आवाज़ सी आई ना इसलिए मैं रुक गया। तो यहाँ वहाँ पर मर्डर हुआ था, वहाँ पर और उसकी आँखों में भटकती है पूरा, वो चलता है। तो चलो यार थोड़ा सा वेट और करते हैं, उजाला होते निकलते हैं यहाँ से। देखो अब हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो चुका। और ये देखो, ये दिख रहा है सब, ये सब कब्र है यहाँ पे। और ये देखो अब मैं आ चुका हूँ घर। पहले मैं टाइम दिखाता हूँ, टाइम कितना हो गया आज दिन में, लेट मैं उठा हूँ। दिख रहा है 10:59, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, तो इतना हो चुका है। और पापा का बार बार फ़ोन आ रहा है कि आ जाओ, नहीं तो मेरी पूरी हुई नहीं आँखें देखो। तो अब वीडियो ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय।